नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कितनी अजीब बात है ना, कड़वा खाना खाना किसी को पसंद नहीं होता, पर कभी कभी कुछ कड़वी बातें हमारी ज़िंदगी में मिठास खोलने के लिए काफ़ी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में, तो मुझे ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि किस बात से आपने सबसे ज़्यादा रिलेट किया। कितनी अजीब बात है, हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम लड़ते हैं, पर उनका क्या करें जो छुप कर आपसे छल करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग ज़िंदगी में दूसरों की फ़िक्र करते हैं, उनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। कभी गलती से भी किसी का प्यार और भरोसा मत तोड़िएगा, क्योंकि फिर दोबारा वैसा प्यार आपको मिलेगा नहीं और आप पर कोई दोबारा भरोसा करेगा नहीं। कभी गौर कीजिएगा, उन्हीं की आंखों में अक्सर आंसू होते हैं जिन्होंने किसी रिश्ते को सच्चाई से जिया हो। मतलब कि रिश्ते रखने वालों की आंखों में न पानी होता है और ना ही शर्म। आजकल के दौर की बड़ी अजीब बात है, लोग समझते कम और समझाते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी अपनी बुराइयां भी चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पता तो चले दूसरे हमारे बारे में सोचते क्या हैं। कभी कभी सोचती हूँ, इतनी होशियारी कहाँ से लाते हैं लोग, साथ रह लेते हैं फिर भी दुश्मनी निभा लेते हैं लोग। कितनी अजीब बात है, इंसान के जन्म का सफ़र मिठाई बांटने से होता है और श्राद्ध की खीर पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए, एक भगवान पर और दूसरा अपने कर्मों पर। तो अगर भगवान की कृपा से मनुष्य होने का सौभाग्य मिला है, तो एक किसान की भांति अपने कर्मों की अच्छी खेती करने का प्रयास ज़रूर करें और यकीन मानिए कि आपके अच्छे कर्मों का आपको अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी। सो थिंक वाइजली, एक्ट स्मार्टली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय श्री राम।